देखो भाई, लोगों को खुश करने के लिए, जिंदगी में खुद कुछ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई। देखो, जल्लाद बन गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज इशान सेठी एंड इफ यू वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वुड लव इट इफ यू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। भारत बनो तो घंटी दिख रही है, बहुत ज्यादा। सो वी कैन गेट कनेक्टेड एंड यू डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। एमिवे बंटाई मालूम है ना? मालूम है मुझे, मुझे मालूम है। आपको मालूम है कि एमिवे बंटाई का नया गाना है, गाने का नाम है जल्लाद। मतलब एमिवे बंटाई ने इतने सारे गाने दिए, मचाएंगे, फ्री वर्स, कितना कुछ, और आखिर में, आखिर तो नहीं, मतलब अब जाके देखो भाई, जल्लाद बन चुका है। एमिवे बंटाई नो डाउट इज डूइंग वेरी गुड वर्क। जो भी अभी तक जितने गाने निकाले हैं, लोग वेट करते हैं कब एमिवे का गाना आएगा। लोग तो चाहेंगे हर हफ्ते आए, नहीं लोग बोलेंगे हर दिन आए, हर अगले दिन एमिवे का गाना आए। जो अच्छी चीज़ है ना, वो थोड़े ना हिसाब से आनी चाहिए। अगर ज़्यादा आएगी ना तो मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा। महीने में एक गाना डालता है एमिवे और लोग उसका बेसब्री से वेट करते हैं, मैं उसका बेसब्री से वेट करता हूँ। और अब आप में से कुछ लोग वेट कर रहे होंगे, कब मैं गाना प्ले करूँगा, कब मैं गाना सुनूंगा। ये मिस्टर सेठी या ईशान सेठी, कई पहले मेरा चैनल का नाम ईशान सेठी था, मिस्टर सेठी है। तो मिस्टर सेठी रिएक्शन वीडियो कब बनाएगा? रुक जाओ, रिएक्शन वीडियो में बनाएगा, तुमको सुनाएगा, सबको बताएगा एमिवे बंटा कैसे गाना बनाएगा। ये मैंने अभी बना दिया ऐसे ही बैठे बैठे, तभी तो बेकार बना। अब जल्दी जल्दी हम गाना सुनते हैं जल्लाद एमिवे बंटाई का। आई होप दिस इज गोना बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रैक जो भी एमिवे के आए हैं। मतलब जो भी होगा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी, आपने शायद ये गाना सुन लिया होगा या नहीं सुना होगा, अभी हम साथ में गाना सुनेंगे। सो लेट्स गो जल्लाद, म्यूजिक फ्लैम्बॉय, खड़े नहीं रहने का चलते। ये गाना सारे मर्दों के लिए। अच्छा, जो जो परेशान है। मैं नहीं हूँ। उनके लिए। आप हो गया? सुनो, ए, कभी मिलने को आओ, कभी मिलने को जाओ, कभी मन करे उसका तो छत पे चढ़ाओ, जो मांगेगी दूसरे दिन फट से दिलाओ, कभी दाढ़ी बढ़ाओ, कभी मुच्छी उड़ाओ। वाह, कितना डिमांड इनका, करना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है, नहीं किया पड़ता है सर पे, टाइम पे पहुंच जाना घर पे, दूसरी बंदियों से नहीं मिलना, मुझसे डर के रहो, मर के रहो, पैरों पे मेरे, तू बाजू मेरे, तू चेहरे पे मेरे, हंसी है खुशी है, तू चंद्रमुखी है, अच्छे से रह रहा हूँ फिर काय को दुखी है जल्लाद। तंग कर ले जितना भी दिल खुल के सहलू मैं, खोला हूँ दुनिया में तेरे ही पहलू मैं, प्यार के मामले में कितना कुछ कह लूं मैं, धोखा दिया जिसने बनाया बहनों ने, धोखा दिया मुझे बहनों ने, 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 बहनों ने। कभी कहती है मैं हूँ आवारा, कभी कहती है मैं हूँ सहारा, कभी कहती है मैं हूँ शिनचैन नोहारा, कभी धोखेबाज तो मैं हूँ बेचारा, पर पट्टी पे जा रहा मैं सुट्टा उठा रहा, मैं सुट्टा उठा के मैं कट्टा उठा रहा, कट्टा उठा के मैं पट्टा उठा रहा, पट्टा उठा के मैं खुद को बचा रहा। रेड वाली टॉप वाली लड़की अच्छी ना, दूसरी वाली भी अच्छी है, लड़कियां सारी अच्छी होती है। ये सब मत करना तू रहने दे, नहीं करना कुछ तेरे कहने पे, गुस्सा करती रहती मेरे पे, हर वक्त गलती रहती तेरे पे, फिर भी तू मेरे पे चार्ज है, तू तो बेचारे कटीली प्याज है, गलती जितना किया सबका हिसाब है, कल तो मैं मजनू था लेकिन देख आज मैं हटाने आया तेरे सबसे ताज है। बाल देखो भाई, भेजी ना मुझको अब तेरे इस राज में, ऐसी बंदियों का कहां इलाज है। बाद में आबाद में बहुत कुछ कहने को, याद में आया है मुझे बहुत कुछ था सहने को, तेरे साथ जब तक था मैं, याद नहीं कब तक था मैं, तेरा तो दस्तक था मैं, तू दस्तक कर दी थी जब जब दिल तेरा धक करता था, और तेरी ही सोच में हर जगह जाके मैं तेरे ही बारे में बकबक करता था, क्यों क्यों सरदर्द करता था, जब जब तू इतनी सी बात को इतना बनाती थी, खाने को तीन वक्त को पिज्जा मंगाती थी, ऑनलाइन आके भी वो टोपा बनाती थी, कहती थी जिससे मैं कर रही हूँ बात, बेबी मेरा भाई है, तेरा चाचा बेटा इधर सब कुछ समझ रहा, मैं भाई को कट कसाई में फिर तो तबाही है, धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, ए धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, धोखा दिया तो धोखा दिया मुझे बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, बहनों ने, ये सब मत करा तू रहने दे, रहने दे, ए ये सब मत करना तू रहने दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। मालूम है ना,
दोस्त से मालूम है ना बहनों ने धोखा दिया मुझे बहनों ने रिएक्ट के लिए हमने गाना बहनों ने तो ये था गाना जल्लाद एमीवे बंटाई का। ये एक डिफरेंट सॉन्ग था, जैसे कि मैंने बोला आई होप दिस शुड बी समथिंग डिफरेंट, तो ये डिफरेंट था लेकिन उतना कैची नहीं है। और मतलब मुझे नहीं लगता, मतलब आप लोगों को ये गाना सुन के कैसा लगा, लेकिन पुराना जैसे होता है ना एक आर्टिस्ट का लेवल सेट हो जाता है, तो जो एमीवे का लेवल सेट है, मतलब लेवल पे गाना है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार गाना है, लेकिन मेरे को उतना मज़ा नहीं आया। मतलब गाना बढ़िया है, ठीक है, लड़के लोगों के लिए बनाया है, लड़कियां जो अत्याचार करती हैं उस चीज़ पे बनाया है, लेकिन पता नहीं मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा। मतलब सही है, ओके है, लेकिन क्या होता है ना, मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, वो मेरी गलती है। मतलब कोई आर्टिस्ट जब 2-3 गाने अच्छे निकालता है, जो भी होता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही उस तरीके का गाना नहीं निकाल सकता। ये गाना उसे डेफिनेटली अच्छा लगा, इसलिए उसने ये गाना निकाला, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो मुझे अच्छी लगे, राइट? नो डाउट गाना अच्छा है, वीडियो बनाया वो भी अच्छा है, लिरिक्स भी अच्छे हैं, फ्लैम बॉय का म्यूजिक है, लेकिन उतना मज़ा अभी मुझे आया नहीं। शायद अगर मैं इस गाने को दोबारा सुनूं तो शायद मुझे और बेहतर लगे, क्योंकि कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं फर्स्ट टाइम में ना आपको उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन वो गाने होते कैची हैं, जब आप उसको बार बार सुनते हो तो वो गाना मज़े देता है, फिर उसको सुनने का मन करता है। जैसे एमीवे के और जो गाने मैंने रिएक्ट करे हैं और जो पिछले गाने भी हैं, वो गाना मज़ा आता है गाड़ियों में चलाने में, शायद इसको भी चलाने में मज़ा आएगा, लेकिन अब फर्स्ट गो में ना उतना इम्पैक्ट नहीं डाला है। लेकिन हाँ, एमीवे बंटाई का गाना, एमीवे बंटाई एक नाम है और मालूम है आपको, तो मालूम है मुझको ही मालूम है, मिस्टर सेठी भी एक नाम है आपको मालूम है, तो एमीवे बंटाई एक नाम है, तो वो जो एमीवे बंटाई नाम है उसका एक वेट है, तो एमीवे बंटाई का गाना है, तो इसलिए हम दोबारा भी सुनेंगे, इसके बाद मैं दोबारा भी ये गाना सुनूंगा। क्या होता है ना, जैसे रैप जो म्यूजिक होता है, रैप सॉन्ग होता है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, पता भी है बात के बारे में, क्योंकि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि जो रैप सॉन्ग्स होते हैं उसके लिरिक्स आप एक बारी में तो सब नहीं सुन सकते हो, राइट? एक बारी में सब कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ सुना नहीं जाएगा, तो आप दोबारा सुनोगे, तो डेफिनेटली मैं भी ये गाना दोबारा जरूर सुनूंगा। उसी तरीके से आप में से कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियो भी एक से ज्यादा बार देखते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी बातें समझ नहीं आती, मैं तो यार बात करता हूँ समझ आता है, लेकिन आप लोगों को मन करता है दोबारा देखने का। उसी तरीके से गाना है, जैसे इस गाने को सुनने को दोबारा से मन करेगा, वो जो लिरिक्स हैं उन सब को दोबारा से सुनने का मन करेगा, वो वीडियो को सुनने में देखने में दोबारा मन करेगा, क्योंकि जितना बेहतर वीडियो होता है, जितना बेहतर ऑडियो होता है, सब एक मिक्सचर बनता है और तब जाके एक बेहतरीन गाना बनता है। और यही सारी मतलब मिलजुल की चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम उस गाने को बार बार सुनते हैं और वो गाना ट्रेंडिंग पे आ जाता है। तो जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे अभी बनता है गाने का, वो आ चुका है। फिर जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे मेरे रिएक्शन का, वो भी आ चुका है। और मुझे गाना अच्छा लगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब गाना बेकार है, बस उतना मज़ा नहीं आया, मज़ा आया लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। मतलब मैं इस गाने को थम्स अप जरूर दूंगा, अगर आपको ये वीडियो, ये रिएक्शन अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर बंटा पब्लिक। और मैं अपने पार्षद लोग से मिल लाऊंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सो विल मी अगेन सून, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग प्रोडक्टिव बंटा।